थैंक यू थैंक यू अश्वनी सर मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने कम्युनिटी को कुछ गाइड कर सकूं कुछ बता सिखा सकूं जिस जिसको सीखने के बाद वह चीजों को अच्छे तरीका से यूज कर पाए और उसको ठीक से मार्केट में प्रमोट करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाए मैं आप सभी लोग से क्षमा मांगना चाहता हूँ पहले कि फिलहाल मैं वीडियो पे नहीं आ पाऊंगा इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बारिश बारिश के वजह से लाइन कटा हुआ है इन्वर्टर डिस्चार्ज है उसके वजह खाली लैपटॉप चार्ज में है इसीलिए इसको चला पा रहे हैं बाकी सुबह से लाइन का प्रॉब्लम है इसीलिए हम लोग आज बिना वीडियो को मीटिंग को प्रोसेस करते हैं दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्क्रीन को शेयर करते हैं और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो आप सभी लोगों को जान के बहुत खुशी होगा कि बेटेस बुल गेम में नौ लाख प्लेयर आ चुके होंगे और आ चुके हैं ऑलमोस्ट वन मिलियन के हम लोग बहुत करीब हैं और बेटल्स खेलने में आप मजा आने वाला है बेटस बुल में क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट वन मिलियन जो माइल्ड स्टोन होता है जिसे हर एक क्रिकेटर का एक माइल स्टोन होता है फिफ्टी या हंड्रेड उसी प्रकार कोई भी प्रोजेक्ट का एक माइलस्टोन होता है मिलियन मिलियन तब मिलियन का का कम्युनिटी दिन के अंदर पे बनाने का काम संपूर्ण किए तो बहुत सारा आर्टिकल्स में हमारे बारे में बात होना शुरू हो चुका है दोस्तों बहुत सारा न्यूज पेपर पे बहुत सारा जर्मन आर्टिकल बहुत सारा फ्रेंच आर्टिकल में हमारे बारे में बात हो रहा है कि कौन ऐसा टैप टू अर्न वेब थ्री का गेमिंग प्लेटफॉर्म आया तो दस दिन में वन मिलियन का आंकड़ा छू दिया एक ही नाम आता है दोस्तों जो आपके सामने दिख रहा है बैटस और बहुत जल्द सावन भी आने वाला है और इसका भाव और भी बढ़ने वाला है दोस्तों इस चीज को हम लोगों को लेके चलना है नौ लाख प्लेयर के लिए एक बार जोरदार ताली कि हमारे कम्युनिटी में नौ लाख प्लेयर आ चुके हैं हम लोग से डायरेक्ट टक्कर लेने के लिए दोस्तों तो बेटल्स खेलने में मजा आएगा दोस्तों आगे चलते हम लोग दो दिन बचा हुआ है बारह तारीख के बाद कोड आपको ना मिले और फोर मिलियन पॉइंट आप या आपके नए व्यक्ति नहीं बना पाए अगर वो फोर मिलियन पॉइंट नहीं बना पाएंगे तो ना जाने वो कितने लाखों लोगों से पीछे हो जाएंगे क्योंकि अगर नौ लाख लोगों में से या आधा से ज्यादा लोग पोस्टर कोड का अगर यूज कर चुके होंगे तो उनका रैंकिंग टॉप में होगा और आपका जो गेस्ट आ रहा है वो अगर इस कोड को यूज नहीं कर पाया तो लाखों लोगों यानी कि दस लाख लोगों से पीछे रहेगा तो क्या मात्रा में वो वह ना ले पाएगा कुछ नहीं ले पाएगा वो व्यक्ति तो उसको लगेगा कि फालतू है फालतू में मेहनत करना पड़ा इसीलिए हर एक टास्क को हमें अपने कम्युनिटी के साथ बताना है सिखाना है और उनको टॉप में रखना है दोस्तों कि जिस जितना ज्यादा लोग बढ़ते जा रहा है हमारे लिए कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है पहले हम लो एक लोग एक लाख लोगों के साथ टक्कर में थे दो लाख पांच लाख दस लाख आज हम लो वन लोग वन मिलियन लोगों के साथ डायरेक्ट फाइट करना चाहते हैं क्योंकि अगर हम लोग टॉप में नहीं रहेंगे तो हमें ज्यादा से टोकन हमारे पास नहीं मिलने वाला है जब एयर ड्रॉप गिरेगा तो हमारे पास काफी कम टोकन आएंगे तो हर एक चीज जो जो एक एक चीज जो कंपनी लेके आ रही टास्क में हमें सबसे पहले पूरा करना है और हमें टॉप में रहना है हमेशा दोस्तों तो अगर हम लोग टॉप में रहेंगे और हमारे जितने भी लोग जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे लोग अगर टॉप में रहेंगे तो हमारे कम्युनिटी के पास ज्यादा से ज्यादा टोकन आएगा तो इस चीज को मिस मत करना है दोस्तों क्योंकि आज आप देख सकते हो आप अगर टैप करते हो तो एक हजार आपको पॉइंट्स मिल रहा है दोस्तों यानी कि फोर मिलियन बनाने में कितना टैप करना पड़ेगा आपको उम्र निकल जाएगा टैप टैप करते करते फिर भी फोर मिलियन पॉइंट नहीं बना पाएंगे हम लोग तो फोर मिलियन पॉइंट्स इस बुस्टर कोर्ट से उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने ले लिया होगा और अपनी टीम मोस्ट मौन, मौन, इंपोर्टेंट है अपने टीम को पास इस कोड को यूज करवाना जो आपके रेफर के साथ ज्वाइन हुए हैं आप सभी लोग तो कर लिए होंगे होंगे क्योंकि आप मीटिंग में हैं तो सभी लोग यूज़ कर लिए लेकिन जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है उसे भी चेक करना है कि वो उसने बूस्टर कोड का यूज किया कि नहीं किया बारह तारीख के बाद ये खत्म हो जाएगा चाहे जाएग बढ़ेगा अभी तो वन मिलियन माइनस होके बढ़ेगा आगे चलते दोस्तों हम लोग दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल टैप टू अर्न फंक्शन हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुआ था और बहुत सारे लोग सॉरी परसों रात को टैप टू अर्न फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था और बहुत सारे लोग टैप टू अर्न करके टोकन बना रहे हैं दोस्तों इसमें सबसे बड़ा खास बात है कि इसमें जो इस सी है वो खुद प्लेयर है ये देखिए जो टेलीग्राम बोर्ड है वो एलेक्स रेनहार्ट सर का है आप नाम ऊपर जूम करके पढ़ सकते हो लिखा है एलेक्स रेनहार्ट उनके पास कितना पॉइंट्स है लगभग पैंसठ लाख मेरे पास कितना है छियासठ लाख तो मैं सीओ से आगे चल रहा हूं अभी तो जो इस इसमें क्रिएटर है जो फाउंडर है जो बेटर्स बोल गेम को बनाए हैं वो खुद इसमें प्लेयर बन के काम कर रहे हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा हर हाँ टास्क को पूरा करना पड़ेगा तब जाके उनको क्या मिलेगा पॉइंट्स मिलेगा ऐसा नहीं कि वो पॉइंट्स ऑटोमेटिक बना लेंगे नहीं वो खुद एक प्लेयर है और जो टास्क ब्लॉकचेन उनको दे रहा है उनको भी क्या करना पड़ेगा प्रोसेस करना पड़ेगा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तो आप देख सकते हो सर ने दस रेफर वाला टास्क पूरा कर चुका होगा तभी सिक्स मिलियन बना होगा इनका तो आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग टैप टू अर्न फीचर सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे हम लोग को समझना है डेली रिपोर्ट भी हमारे साथ आ चुका है सोलह दिन का टास्क है सोलह दिन का टास्क में आपको क्या करना पड़ेगा पर डे क्या करना पड़ेगा बेटर स्कूल को ओपन करना पड़ेगा और डे वन डे टू और आज डेट थ्री का रिवार्ड आपको सिर्फ क्लेम करना है अगर आप इसको क्लेम नहीं कर पाते हो एक दिन में मिस हो गया तो आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा जिससे कि डे वन में पांच सौ फिर हजार फिर तीन हजार फिर डे फोर में पांच हजार डे फाइव में दस हजार डे सिक्स में बीस हजार डे सेवन में पच्चीस हजार अब पच्चीस हजार तक आपने लिया आपने डे सेवन में पच्चीस हेयर पॉइंट लिया और आपने डे एट का पचास हेयर पॉइंट नहीं ले पाए इस इस पीरियड में क्या होगा इस पीरियड में होगा दोस्तों कि आप फिर से डे वन से स्टार्ट हो जाओगे 500 सौ हजार तीन हजार पांच हजार और फिर अगर आपने मिस किया तो फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका डे वन से फिर से 500 सौ हजार इसीलिए आपको दिन में एक बार इस बेटल्स बोल गेम को आपको क्या करना है एक बार क्लिक करना है और क्लिक करके जो आपका रिवॉर्ड है डे वन डे टू डे थ्री का जो जमा हुआ है इसे आपको पर डे लेना की जरूरत है दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस आप सभी लोग कर चुके होंगे और तीन दिन का रिवॉर्ड आपको आ चुका होगा दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है जो आप यहां पर देख सकते हो अगर आप दस न्यू व्यक्ति को ऐड करते हो तो आप वन मिलियन जो आपका पॉइंट्स है उसके बनाने का टास्क आपका कंप्लीट होता है उम्मीद करता हूं कल बारह लोग हैं जो इस टास्क को कंप्लीट किए हैं बत्तीस लोगों में से तैतीस लोगों में से आज काउंट कुछ ना कुछ बढ़ा होगा थोड़ा तो सा एक बार जल्दी से हैंड रेच कर लीजिए जो इस टास्क को पूरा करके वन मिलियन पॉइंट को बना चुके हैं थोड़ा तो सा फास्ट जल्दी सभी लोग जिसके पास व्इस जा रहा है वो कर लीजिए दोस्तों क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आंसर के बीच समय कम जाता है तो फास्ट फास्ट दोस्तों कर बारह लोग थे जो को कंप्लीट किए हुए हैं आज नौ लोग हो चुके हैं जल्दी से हैंडरेज कीजिए दोस्तों जो को कंप्लीट किए हुए हैं दस व्यक्ति नए ऐड करके नया रेफर से नया ज्वाइन कर, कर, करवा के और वन मिलियन पॉइंट बना चुके होंगे कितने लोग हैं जल्दी फॉर्ट टाइम नहीं है बिल्कुल टाइम नहीं है मेरा पास वॉयस जा रहा है तो आप हैंड जरूर कीजिए और सिर्फ आपका मोबाइल जूम में है फिर कहा है खाली काउंट्स नहीं दिखाना है सभी लोगों को एक्टिविटी भी दिखाना है चलिए तो दस लोग हो चुके हैं थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा दोस्तों कि मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देना चाहता हूं कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बेटे बॉल गेम में दस व्यक्ति को रेफर करके दस न्यू व्यक्ति को अपने गेम में ज्वाइन करवा दिया है और वन मिलियन का जो तो टास्क है उसे आपने पूरा कर लिया है ठीक है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि रेज करें आज चौदह लोग हो चुके, हो चुके हैं दोस्तों बहुत खुशी की बात है कल बारह थे आज सोलह हो चुके हैं दोस्तों छत्तीस लोगों में से सोलह लोग हैं जो इस टास्क को पूरा किए हैं दोस्तों आप सभी लोगों से मुझे उम्मीद है जितने भी छत्तीस लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं सभी लोग ये टास्क को पूरा करें क्यों वन मिलियन के जो माइलस्टोन स्टोन है उसे पहुंचने के लिए आप सभी लोगों के साथ प्रयास करना पड़ेगा और बेहतरीन प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कंपनी का जो सपना है वन मिलियन का कल तक हम लोग रिपोर्ट आ जाएगा कि हम लोग दस दिन के अंदर पे वन मिलियन कम्युनिटी बनाने वाले पहले गेम बन चुके हैं दोस्तों और जब वन मिलियन कम्युनिटी पूरा होगा तो मैगजीन पे अपना ही नाम होगा हर जगह पे बेटल्स बूल, बेटल्स बूल। हर मैगजीन वाले हमारे ऊपर बात करेंगे हर यूट्यूबर हमारे ऊपर बात करने वाले हैं तो यही हो क्या होता है माहौल बनता है दोस्तों तो सोलह लोग आज हमारे बीच हैं कल भारत थे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली मेरे तरफ से और कम बेटल्स बूल के फाउंडर की तरफ से क्योंकि मैं खुद फाउंडर हूँ और आप सभी लोग फाउंडर हैं तो एक फाउंडर का ताली आप सभी फाउंडर्स के लिए बहुत बढ़िया और हम लोग लो कल कोशिश करेंगे कि बत्तीस में से छत्तीस में से छत्तीसों लोग इस टास्क को पूरा करके आएंगे उसके बाद मजा आएगा दोस्तों तो हैंड डाउन कर लीजिए आप सभी लोग आगे चलते हम लोग तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे हम लोग का वन मिलियन का माइलस्टोन पूरा होगा तो कंपनी पैसिव माइनिंग भी हमारे बीच इंट्रोड्यूस कर देगी इसमें आपको कार्ड परचेस करके पैसे माइनिंग होगा अभी कैसे हो रहा है आप बेटे गेम को ओपन कर रहे हो टैप टैप कर रहे हो तो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं और आप क्या कर रहे हो डेली रिवॉर्ड ले रहे हो पॉइंट्स मिल रहे हैं टास्क पूरा कर रहे हो रेफर करने का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का तो आपको क्या मिल रहा है पॉइंट्स मिल रहा है लेकिन इसमें क्या है आपका एक्टिविटी जरूरी है आपको एक्टिव रहना जरूरी है इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिव माइनिंग लेकिन पैसे माइनिंग क्या है आप आराम से सो रहे हो और आपका पॉइंट्स बढ़ रहा है उसको बोलते हैं पैसे माइनिंग वो कैसे होगा तो देख सकते हैं यहां पे ये यह कार्ड है दोस्तों इस कार्ड का नाम है वेब थ्री इंट्रीगेशन ये वेब थ्री इंट्रीगेशन का जो काम रहेगा इसे आप परचेस कर लिए इसको परचेस करने के लिए आपको अपने जमा हुआ पॉइंट्स आपके पास सिक्स मिलियन होगा आपके पास फाइव मिलियन होगा फोर मिलियन होगा ये सारा पॉइंट्स में से आपको पैंतीस हजार आठ सौ चौवन पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा इंट्रीगेशन का जो आ, कार्ड है इसे परचेस करना पड़ेगा दोस्तों इसका काम आपके लिए क्या रहेगा कि आपको पर प्रॉफिट जो है पर आवर कितना बना के देगा वन पॉइंट टू सेवन के कि लगभग बारह सौ आपको एक घंटा में बना के देने वाला है पॉइंट्स ऑटोमेटिक बिना कुछ किए हुए तो आप समझ सकते हो कि 24 घंटे में आप जोड़ सकते हो कि आपका जो पैंतीस पॉइंट्स पॉइंट है वो आपका वापस आ गया तो दूसरा जिन जो होगा वो आप प्रॉफिट में आ जाओगे उसी प्रकार से एक और कार्ड है इसका इस कार्ड का नाम है स्टेकिंग इसका जो दाम है दो लाख बेरासी पॉइंट है और ये लगभग आपको एक घंटा में वन पॉइंट थ्री फाइव के यानी के लगभग पैंतीस सौ पॉइंट्स बना के देगा और इसका जो तो दाम है कार्ड का दो लाख बेरासी हजार पॉइंट है इसी प्रकार से आप देख सकते हो एक और कार्ड है जिसका नाम है बिटकॉइन पेयर ये पांच हजार पॉइंट्स का कार्ड है ये आपको प्रॉफिट पर आवर उनासी बना के देने वाला है कि फर्स्ट लेवल का है इस प्रकार से लेवल धीरे धीरे बढ़ते रहेगा इस कार्ड का उसी प्रकार से एक तो और कार्ड है जिसका नाम है गेमिंग फाइ टोकन ये चालीस हजार का कार्ड है ये लगभग वन हंड्रेड फिफ्टी एट पॉइंट आपको बराबर बना के देने वाला है इसी प्रकार से पेसिव माइनिंग के लिए अलग अलग कार्ड हमारे बीच इंट्रोड्यूस होने वाला है दोस्तों जो आपको पैसे माइनिंग करके देने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो पॉइंट्स है वो आपको लेबल देगा और जो पैसे माइनिंग है इसे आपको प्रॉफिट बराबर बना के देगा और दोनों का कॉम्बिनेशन से आपका पॉइंट्स और आपका प्रॉफिट बराबर ये दोनों को मिला के एक रैंक बनेगा जो आप उस और आपको लेवल मिलेगा सबसे पहले लेवल मिलेगा वो लेवल पॉइंट से मिलेगा कि आपके डैशबोर्ड पे आपके टेलीग्राम के बोर्ड पे कितना पॉइंट है उस पॉइंट्स के अनुसार से आपको लेवल मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आप कौन से लेवल पे हो और प्रॉफिट पर आवर आपको क्या बना के देगा जिस लेवल पे आपको उसमें टॉप कैसे जाओगे ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको एयर ड्रॉप देने का काम करने वाला दोस्तों जो एक अगस्त में हमें मिलने वाला है डेट ऊपर नीचे हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको आप मैं अपना माइंड में फिक्स करके मत रखिएगा लेकिन एक कंफर्म डेट है कंपनी के अनुसार से कंफर्म है एले, कंप, जो कंपनी का फाउंडर है उसके वॉइस में कंफर्म लग रहा है कि एक तारीख को दे देगा लेकिन डेट ऊपर नीचे हो सकता है इससे हम लोग अपना माइंड में बैठा के मत चलिएगा जो रियल पुल टोकन है जो हमें पॉइंट से बदले मिलने वाला है वो एक करोड़ का सप्लाई है उसका हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनी का फाउंडर है वो ऑलरेडी प्लेयर है तो कंपनी अपने पास कुछ नहीं रखेगा सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये हमारा प्लस पॉइंट है दोस्तों हमारा जो टारगेट है ये वन मंथ के अंदर पे हम लोग हंड्रेड मिलियन कम्युनिटी बना चुके बना ले तो अगर हम लोग दस दिन में वन मिलियन बना लिए हैं तो अगला दस दिन में शायद हम लोग बीस मिलियन बना ले एक महीना में हम लोग लगभग तीस मिलियन बना लें लेकिन जब कम्युनिटी बढ़ता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है रेस्टियो से नहीं बढ़ता है तो वन मिलियन अगर हम लोग दस दिन में बना रहे हैं तो अगला वन मिलियन हो सके तो हम लोग पांच दिन में ही बना लें क्योंकि तो काम दस लाख लोग एक साथ करेगा प्रमोट करने में तो हो सके हम लोग जो अगला वन मिलियन है वो पंद्रह दिन में हम लोग सॉरी पांच दिन में कंप्लीट कर लें उसी प्रकार से टारगेट है कंपनी का कि पहला एयर ड्रॉप जब बटे तो ऑलमोस्ट हंड्रेड मिलियन के आसपास कम्युनिटी हमारे पास रहना चाहिए दोस्तों और टोकन का जो प्राइस रहने वाला है जीरो पॉइंट वन सेंट रहने वाला है और ऑफकोर्स यह प्राइस जरूर होगा इसका ऊपर भी बढ़ सकता है क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बुल टोकन टोकन भी है स्प्लिट भी है जिसके अंदर से आपको पता है कि क्या आने वाला है सबसे पहले हम लोग समझते हैं एयर ड्रॉप क्या है एयर yeah, बहुत लोगों का सवाल होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ एक तारीख को एयरड्रॉप ड्रोप मिलेगा एक तारीख को एयरड्रॉप मिलेगा एयरड्रॉप ड्रॉप होता कहिए बहुत लोगों का सवाल है जरूर आएगा दोस्तों तो मैं बता देना चाहता हूँ एयरड्रॉप क्या है एयरड्रॉप क्रिप्टो यूजर को निःशुल्क क्रिप्टो करेंसी देने का प्रक्रिया है प्रोसेस दोस्तों कंपनियां आमतौर पे एयरड्रॉप का उपयोग नए प्रोजेक्ट को प्रमोट करने या अपने यूजर्स को बढ़ाने के लिए करती है दोस्तों आप कुछ साधारण कार्यों को पूरा करके क्रिप्टो टोकन प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्क को सब्सक्राइब करना या प्रोजेक्ट को रिपोस्ट करना जैसे हेमटर कर रहा है टोन करता है टैप स्व करता है और हम लोग का बेटे गोल भी कर रहा है दोस्तों अबेडोप का क्या लाभ है मुफ्त टोकन मिलेगा लोगों को बिना निवेश से क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करते हैं सभी लोग टोकन का सामर्थ नए प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में मदद करें। एयरडो पाने के लिए अक्सर हेलो हेलो मेरा भॉई जा रहा अस्वानी जी सर। जी सर जी सर हेलो हेलो सर सर आप ऑडिबल हैं सर अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू सर मेरा एयरफोन हिल गया था तो एयर ड्रोप आने के लिए अक्सर न्यूनतम कार्यो को अवश्य आवस, आवश्यकता होती एयर ड्रोप में भाग लेने का तरीका प्रोजेक्ट के पर रजिस्ट्रेशन करें कार्यों को पूरा करें और अपने वॉलेट में टोकन प्राप्त करें तो यह लाभ होता है एयर ड्रॉप का उम्मीद करता हूँ एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप अगला बार से मैं बोलूंगा चाहे कोई भी टोकन बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि एयर ड्रॉप मतलब क्या होता है दोस्तों टोकन बांटने का प्रक्रिया आगे चलते हैं दोस्तों बुल टोकन का जो यूटिलिटी है इसके बारे में बात करना जरूरी है और बार बार, बार, बार बात करना जरूरी है दोस्तों क्योंकि लोग चाहते हैं फायदा फायदा क्या होगा फायदा क्या होगा स्टार्ट कर रहे हैं फायदा क्या होगा तो फायदा यही होगा जो टोकन मिलेगा वो नवंबर से एक्सचेंज पर ट्रेड होगा दिसंबर से अल्टीमा गेम में यूज होगा और अगस्त से लेकर नवंबर तक इसको अगर आप होल्ड करते हो तो अल्टीमा टोकन में रिवोर्ड आपको मिलेगा दोस्तों आगे चलते हम लोग दोस्तों जो बुल टोकन है गेम स्प्लिट के साथ कनेक्ट है गेम पूल 2.5 पॉइंट फाइव अल्टीमा पर डे मार्केट में देता है जितना बुल टोकन के होल्डर हैं सब में इक्वली बोले डिवाइड होगा दोस्तों और मैंने कैलकुलेशन ही बताया था मीटिंग में कि क्या अल्टीमा आ सकता है दोस्तों आपको और अभी के रेट में और बीस डॉलर के रेट में क्या प्रॉफिट आप कर सकते हो दोस्तों इससे हम लोग को समझाना है नए व्यक्ति को हम तो समझ में आ रहा हम सभी को समझ में आता है लेकिन नए व्यक्ति को समझाना सबसे बड़ा टास्क है जो दस व्यक्ति आप ऐड कर रहे हो जो कंपनी का टास्क है यही सारा चीज़ समझाना है जो मैं अभी आपको समझाने एक है।, एक है बीट क्वाइनिस्ट ये आर्टिकल्स है आर्टिकल्स पब्लिश करता है न्यूज आर्टिकल्स है उसमें बताया गया है कि टेलीग्राम पर सबसे तेजी से बढ़ते बोट गेम के लिए एक महत्वपूर्ण गाइड बिट क्वाइनिस्ट के सु, बेटस सोचा नहीं होगा उनका कहना है कि बेटस बुल टेलीग्राम पर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बोट गेम है और हम इस बयान पे बात नहीं करेंगे केवल दस दिन के अंदर पे साहस पूर्वक पुर, पुर, वन मिलियन एक्टिव प्लेयर तक पहुंच गए हैं तो ये एक फोटो था मैं आपको यहाँ पे इसका जो साइड है वो तो डायरेक्ट ओपन करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये बीट का साइड है जो नीचे दिया हुआ है इसको मैं अपने ओपन कर रहा हूँ और टेली ये जो देखिए आप देख सकते हो सामने आपको दिख रहा होगा शायद दोबारा से मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़े तो देख सकते हैं जो बिट का जो साइड है क्रिप्टो न्यूज एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है ओके यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा बुल का फोटो है प्राइस लिए हुए लिखा हुआ बेटर्स गाइड्स ऑफ़ फास्टर ग्रोइंग टेलीग्राम बोर्ड इसका आर्टिकल आप पूरा पढ़ सकते हो जिस जिसका हमारे बारे में बात कर रहे हैं पूरा उसी प्रकार से भी तो एक पब्लिकेशन हमारे बारे में बात कर रहा है बहुत जल्द आप देखोगे कि बहुत सारा आर्टिकल्स पब्लिश होगा जिसमें विटस बुल्स के बारे में बताएगा तो ये तेईस घंटा पहले देखिए यहाँ पर दिखा दिया हुआ है तो आपको को नहीं दिख दिख रहा होगा तो सामने दिख रहा होगा आपको जहां मेरा कर्सर करसर भागबुकार है तेईस आवर्स पहले पोस्ट आया है और बहुत जल्द अगर हमारा वन मिलियन लोगों का टारगेट पूरा हो जाता है तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि हर एक आर्टिकल्स में हमारा बात होना शुरू करेगा और हर एक यूट्यूब पे हमारा बारे में बात होना शुरू हो जाएगा दोस्तों तो यह कुछ अपडेट था जो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर करने उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा पर डे आपको समझ में आ रहा होगा चीजें आप समझ में आ रहा होगा हर एक चीज और बाकी जिस प्रकार से बेटल बुल गेम में अपडेट आएगा उसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे और भी क्लियरिटी लेने आने का कोशिश करेंगे किस प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा टोकन आप कैसे अपने मतलब वॉलेट में ले सकते हो और मैं आपको बताया था कि जो टोकन आने वाला है वह वा स्मार्ट वॉलेट में आने वाला है तो अभी से सभी लोग स्मार्ट वॉलेट बनवा ले अपने टीम का जिसे आप रेफर किए हो और कम से कम हजार या दो हजार रुपए का अल्टीमा खरीद सॉरी स्मार्ट पॉइंट खरीद के उनको डलवा दिया जाए जिससे उनको एयर ड्रॉप लेने में और ट्रांजेक्शन करने में ज्यादा देर ना हो दोस्तों तो हर एक प्रोसेस अगर हम लोग समय से पहले करके कर रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात रहेगा और हमारी कम्युनिटी भी क्या होगी प्रॉफिट में धीरे 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 आने वाली है दोस्तों बाकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग अल्टीमा टोकन के ऊपर तो फिर आप लोग बोलेंगे कि अल्टीमा टोकन का ऊपर बात ही नहीं हो रहा दोस्तों ये सब प्रोसेस है हो रहा है ये सब प्रोसेस है लेकिन अंत में जो रिजल्ट है वो अल्टीमा है तो फिलहाल हम लोग प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे जो प्रोसेस अगर अच्छा रहेगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक तो तो अच्छा होगा तो हम लोग रिजल्ट के ऊपर भी बात करके टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए प्रोसेस पर बात करना चाहिए बेटर्स बोल क्या है एक प्रोसेस है किसके लिए है अल्टीमा के ग्रोथ के लिए तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि अल्टीमा बेटे बुल के बारे में क्यों बात हो रहा है क्यों ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी ग्रोथ करने के ऊपर बात हो रहा है मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं बेटे बुल गेम क्या है एक प्रोसेस है अल्टीमा को ग्रोथ देने का अल्टीमा को मजबूती प्रदान करने का कम्युनिटी बढ़ाने का होल्डर्स बढ़ाने का तो आप सोच सकते हो अगर हंड्रेड मिलियन लोग एक लाख टोकन के साथ यूजर बने तो क्या नजरिया होगा दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा जो टोकन है दो हजार दो सौ पे चला गया था बहुत सारे लोग नेगेटिव पैनिक हो गए कि भाई एक हजार पे ना चल जाए कंपनी बोल रहा है बीस हजार डॉलर बीस डॉलर पे ना चल जाए तो उनको मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं है सप्लाई डिमांड के बारे में पता नहीं है तो उनको जाना चाहिए मार्केट में और दाम पूछना चाहिए आलू का तब आलू के बारे में जब पता चलेगा उनको कि अभी पैंतीस रुपए, चालीस रुपए किलो आलू मार्केट में ट्रेड हो रहा है बोलेंगे कि मैंने तो पांच रूपए दस रूपये हार्डली सार्डली बारह रूपए किलो आलू खाया होगा तब उनको समझ में आएगा कि सप्लाई डिमांड क्या होता है मार्केट के अंदर पे चाहे तो प्याज का दाम पूछ लीजिए अभी जो चीज नहीं है अभी मार्केट में अवेलेबल और ऐसा नहीं आलू बहुत बढ़िया है सड़ा सड़ा आलू है सब आलू खाने में मीठा लग रहा है पूरा आलू लोग कभी खा भी नहीं रहा है। फिर भी सड़ा आलू का दाम पैंतीस रूपये चालीस रूपए किलो है और वो कौन बेच रहा है जो होल्डर्स है इसका जो शुरुआती कम दाम में दस रुपये बारह रूपए खरीद के से अपना फैक्ट्री में रखे होंगे अच्छा सा देख रेख में और अभी मार्केट में जब उसका सप्लाई घट गया तब मार्केट में उतार रहे होंगे अब पैतीस रुपए किलो बेच रहे हैं तो बारह का बारह बारह चौबीस बढ़ती है छत्तीस तीन गुना प्रॉफिट ले रहे हो बारह रुपए में खरीद के छत्तीस रुपए में बेच रहे हैं और तीन तीन गुना प्रॉफिट के, के लिए देखिए फरवरी में आलू का बढ़ता है और अभी जुलाई है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई पांच महीना में तीन गुना प्रॉफिट क्योंकि उसको पता है आलू का मैकेनिज्म पता है उसको आलू का पता है कि किस प्रकार से डिमांड सप्लाई बढ़ता है सेम टू सेम प्रोसेस प्याज के साथ होता है धान के साथ गेहूं के साथ होता है तो यही क्या है क्रिप्टो बाजार है सप्लाई डिमांड का खेल है दोस्तों हर एक चीज अभी सप्लाई बहुत ज्यादा है कितना सप्लाई है लगभग अट्ठाईस हजार सप्लाई है रेट घिरा हुआ है और गिरेगा सप्लाई घटेगा तो रेट बढ़ेगा क्योंकि इसका जो माइनिंग कर रहे है क्या है कोई कोई माइनिंग नहीं कर रहा है इसी के पास टोकन बनाने का क्षमता नहीं है टोकन बन के डेलीग्रेटेड लिक्विटी पुल में लोग है और वहां से कंपनी कैलकुलेशन बना के बैठाया हुआ है कि हम लोग पच्चीस टोकन मार्केट में छोड़ेंगे और कम्युनिटी में बटेगा बस सिंपल सा तो के आसपास गया था और अभी वापस चौबीस के आसपास है तो यह रेट अब जल्द देखोगे एक जीरो बढ़ा हुआ रहेगा आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा चले कि एक जीरो कैसे बढ़ गया है दो हजार चार सौ चार पे बात कर रहे हैं उसके उसके बाद 2400 पे बात कब करना शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों और क्या होगा टोकन का रेट ग्रोथ हो जाएगा उसके लिए क्या होगा कंपनी प्रोसेस कर रही है कम्युनिटी बढ़ाने के लिए बेटर्स बुल गेम बना चुका है और सप्लाई घटाने के लिए 25 टोकन पर डे कर चुका है अभी 75 टोकन आ रहा है जब 25 टोकन आएगा तो लगभग 50 टोकन मार्केट में पर डे घटेगा तो लगभग पांच पंद्रह तो आप जोड़ सकते हो पचास टोकन अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो मल्टीप्लाई करेंगे तीस दिन से तो कितना होता है तो मैं अभी एक मिनट पचास गुना पंद्रह 1500 टोकन मंथली आना बंद अभी पंद्रह टोकन हम लोग मंथली एक्स्ट्रा भेज रहे हैं एक अगस्त पंद्रह 1500 टोकन मंथली आना बंद सिर्फ पच्चीस टोकन पर डे आने वाला अभी पचहत्तर आ रहा है तो पंद्रह टोकन अगर मंथली आना बंद हो जाएगा पूल से तो रेट दो हजार से एक हजार चल जाएगा ये कौन सा कैलकुलेशन बैठा रहा है बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सपर्ट होगा दोस्तों जो आप लोगों को बता रहा है तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है प्रोसेस को समझना है चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है दोस्तों तो ऐसा नहीं बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त में रेट बीस हजार तो तो बड़ा क्रिप्टो एक्सपर्ट लोग हो गए हैं कि भाई कंपनी बोल रहा है कि अगस्त में रेट डायरेक्ट बीस हजार बीस तो हजार चला जाएगा भाई प्रोसेस होगा पंद्रह सौ टोकन जब आना मंथली बंद हो जाएगा तो लगभग एक महीना लगे ये दो महीने लगे बीस सौ डॉलर तो जाना ही जाना है दोस्तों चीजों को समझना है नेगेटिविटी को दूर रहना है प्रोडक्ट को पढ़ना है आर्टिकल्स को पढ़ना है, हर एक गाइड्स को समझना है उसके बाद आगे बढ़ना है बेटर्स गेम से कम्युनिटी बनाना है और स्प्लिटिंग उसको सिखा के और डेप थ्री स्प्लिटिंग थ्री पॉइंट जीरो के साथ टोकन को मार्केट से कम करना है ब्लॉकचेन में स्टेकिंग करके एवडी करके तो ग्रोथ आपको मिलेगा दोस्तों बाकी समय ज्यादा ले चुका हूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैक टू हस्ट अश्वनी सर